from San Joseph. Welcome to San Joseph YouTube channel. So students, in this class we discuss exercise 1.3. I hope you have completed your work. Yes or not? Please, dear students, send me your work complete. Okay. Do neat and clean writing also. Yes, students. So now come on question number one. So आपको क्या करना है? Product करना है. Question number one आपको क्या करना है? Product करना है. किस-किस का? 3 × −1. So I'm taking here a part. So 3 × −1. 3 × 1 = 3. Okay. Second part is −15 × 0 × −18. आपको मल्टीप्लाई करना है इसको. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा है इस क्वेश्चन के अंदर? −15 × 0 × −18. सो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलवेज उसका आंसर 0 आएगा. ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग हियर आई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. −1 × −2 × −3 × 4. सो अब देखो, एक चीज ध्यान रखना हमेशा, मल्टीप्लाई जब भी करते हो तो काउंट कर लो कि माइनस कितने टाइम है. काउंट कर लो, 1, 2, 3, 3 टाइम है. यानी कि तो अब देखो, अगर ये 3 टाइम है, अगर हमारे पास क्या है माइनस में ऑड एंड इवन, इधर देखो, अगर मेरे पास यहाँ क्या है, कितने टाइम है? 3 टाइम है, यानी कि एक ऑड नंबर है. ठीक है. सो मेरा अगर ऑड नंबर आता है तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो आंसर है वो हमेशा नेगेटिव ही आएगा. अगर मेरा माइनस क्वेश्चन में ऑड टाइम है, यानी कि इसमें 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम था, तो मेरा आंसर किस में आने वाला है? ऑलवेज नेगेटिव आने वाला है. अगर यहाँ पे 4 होता तो मेरा आंसर किस में आ जाता? पॉजिटिव में आ जाता. ठीक है. सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी माइनस आपको ऑड नंबर में होगा तो आपका हमेशा आंसर नेगेटिव ही आएगा. सो कैसे इस चीज को किस टाइप से देखेंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. साइन प्लस होंगे, आंसर नहीं. सो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो. 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 हो गया, 6 × 4 = 24. सो क्या बोला हमने? 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24. अब देखो, माइनस वाले की बात करते हैं, तो जब इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया प्लस. क्या बन गया? ये प्लस बन गया. तो ये यहाँ पे क्या आ गया? प्लस का 2. जब −1 × −2 सो क्या आया आंसर? +2. फिर +2 × −3 सो व्हाट वी गेट? −6. −6 × 4 = −24. ओके स्टूडेंट, क्लियर? सो हमने क्या देखा? जब माइनस 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 3 टाइम माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, अगेन ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है. ठीक है. तो ऑड एंड इवन आपको समझ में आया? अगर वन मोर टाइम होता तो ये प्लस में हो जाता. सो हमारा आंसर कितना आया? −24. सो डू केयरफुली एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टाइप क्वेश्चन. सो −24 इज अवर आंसर. ओके. सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2. आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में? सिंपलीफाई करना है. सो मैंने इसने यहाँ पर बी पार्ट लिया है. LHS इज इक्वल टू RHS, आपको प्रूव करना है. सो आई एम टेकिंग हियर फर्स्ट LHS पार्ट. सो व्हाट इज द पार्ट? LHS −21 × फर्स्टली हमें क्या करना है? ब्रैकेट्स ओपन करना है. ठीक है. सो ये तो ऐसा कैसा, एक बार के लिए राइट कर दिया. अब देखो इधर, −4 + −−6. ठीक है. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जाएगा −10 × −21, तो कितना आ गया? −210. कितना आ जाएगा? −210 आ गया. माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 210. अब इसका आरएचएस हम पार्ट लेते हैं. −21 × −4. प्लस माइनस ट्वेंटी वन
टू माइनस सिक्स, ये हमने इसका क्या लिया, आरएचएस पार्ट लिया। सो क्या देखते हैं हम, माइनस 21 इंटू माइनस फोर, ये हमने राउंड ब्रैकेट हटा दिए, माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है। सो अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 4 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 1 4 4 2 8, ठीक है। अब इसके बाद देखो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी, सो 6 1 6 ये हो गया। अब इन दोनों का ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 126 84 0 1 8, तो 210। सो हमारा आंसर कितना आ गया, 210। सो हम एक और बार रिपीट करते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके बन गया प्लस, ठीक है। सो 21 4 84, माइनस माइनस प्लस, 21 6 126, सो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस साइन हो गया। सो जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 210, इट इज क्लियर। सो अब हम क्या करेंगे, बोल सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, बिकॉज दोनों क्या है, 210 आया विद सेम साइन, ओके। सो क्वेश्चन ए इज योर होमवर्क, सो डू इट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि अगर हम ए है, अगर ए को मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या मुझे माइनस ए ही रिटर्न मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, हमने जब इंट्रोडक्शन पार्ट में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यानी कि हमने ए इंटू 1 किया था, सो क्या देखा था कि वही नंबर आएगा, किया था ना कॉम्बिनेशन के थे, यानी कि 2 इंटू 1 करूँगी तो वही सेम नंबर रिपीट आएगा। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माइनस 1 की, अगर माइनस 2 इंटू माइनस 1 करूँगी तो क्या आएगा, माइनस 2, यस। सो इसी टाइप से बोला हुआ है आपको, अगर मैं ए को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मुझे वापस से अगेन माइनस ए मिलेगा, यस और नॉट, मिलेगा ना। सो आंसर 3, सो क्या है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ए तो क्या आ जाएगा, माइनस ए, ये इसके इक्वल होगा ना, सो यस इक्वल है ना। सो सेकंड पार्ट हमको इसको गिवन है डिटरमाइन करना है, जो हमें इंटीजर्स गिवन है यानी कि जो हमको क्वेश्चंस गिवन है इसको माइनस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है। सो फर्स्ट पार्ट इज माइनस 22, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम माइनस 1 से। सो माइनस माइनस हमने देखा था प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, 21 2 1 22, क्लियर है। माइनस माइनस प्लस, 21 2 1 21, सो बी पार्ट इज 37, इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, इसके साथ प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 37 37। और सी, अगर जीरो को हम माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी गेट नाउ, जीरो, जीरो को किसी भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे ऑलवेज वी गेट जीरो, ओके। सो कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4, सो क्वेश्चन नंबर 4 इज क्या बोल रहा है, आपको एक पैटर्न बनाना है, आपको क्या करना है, एक पैटर्न बना रहा है, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 5 होता है, ठीक है। सो आपको इस पैटर्न को कहां तक लेकर जाना है, हमारा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये यहां तक आपको इसको सॉल्व करना है। सो इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, सो ये क्या होगा, हम इसके डाउन साइड जाते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं तो माइनस 4, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो माइनस 3, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो माइनस 2, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो माइनस 1, अब माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो कितना आ जाएगा, 0। अब 0 के बाद क्या आता है, 0 से पहले बिफोर नंबर लाइन क्या आता है, यही आता है, सो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। सो हम इसको कहाँ तक ले आए, अपने क्वेश्चन तक, हमें इस टर्म तक हमें इसको सॉल्व करना था। सो हम क्या करना था, हमें ये 5 तक गिवन था, ठीक है। सो 5 से 4 4 3 2 1, फिर 0, फिर माइनस 1 तभी पॉसिबल था। सो हमने इसको स्टेप से सॉल्व किया, आई होप यू अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, हमें क्या करना है, सूटेबल प्रॉपर्टीज यूज करनी। सो प्रॉपर्टीज आई होप सबको लर्न होगी, नहीं है
बहुत इंपॉर्टेंट है. सो ए क्या गिवन है, 26 मल्टीप्लाइड बाय -48 मल्टीप्लाइड बाय -48 इनटू -36. सो इसमें स्टूडेंट्स मैंने देखा 48 एंड 48 दे बोथ आर सेम, सो वी कैन से इट मिठाई है ना. पापा आए मिठाई बांट दी भैया दीदी को, सो हम मिठाई वापस ले ले. सो 48 26 प्लस -36 सो ये भैया और ये दीदी. इट इज क्लियर और नॉट? सो हमने क्या कर ली, मिठाई वापस ले ली भैया और दीदी के पास से ले ली ना. सो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव, यही थी ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही थी ना ये. सो हमने क्या कर लिया, इसको स्टैचू सॉल्व कर लेंगे. 48 प्लस माइनस -36 तो कितना आ गया स्टूडेंट, -10 है ना. 26 में से 36 गए तो -10 मल्टीप्लाई होता है दोनों के बीच में साइन. सो -48 मल्टीप्लाइड बाय -10 तो कितना आ जाएगा -, प्लस 480 कितना आ गया इसका आंसर 480. ओके इट इज क्लियर और नॉट? सो हमने इसको सॉल्व कर लिया. नाउ वी टेक सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज द सी पार्ट, सी पार्ट देखो हम क्या देख रहे हैं, सी पार्ट में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है. इसमें हमें 2x48 दिख रहा था बट इसमें सी वाले पार्ट में हमें कुछ भी कॉमन सा ऐसा 2x नहीं दिख रहा है कि कुछ स्वीट वाला नहीं दिख रहा. जीरो प्रॉपर्टी भी नहीं रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी भी नहीं रही है. सो कौन सी हो सकती है, ये एसोसिएटिव भी नहीं है तो कम्युनिटिव प्रॉपर्टी हो सकती है इसमें, यानी कि रीअरेंज करना. सो हम कैसे करते थे, बेसिकली हमारा जब भी कम्युनिटी प्रॉपर्टी हम यूज करते थे सो हमारा फर्स्ट मोटिव क्या होता था, हम उनको ऐसे इस टाइप से अरेंज कर रहे. कम्युनिटेटिव का मतलब मैंने बताया था रीअरेंज करना. सो मतलब उसका इस टाइप से रीअरेंज करना है कि हमें उसको मल्टीप्लीकेशन करने में बहुत ईजीली हो, यही था ना हमारा मेन मोटिव. सो हम क्या करें, किसी जो नंबर से उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ जाए, वंस के बने हमारा जीरो बना है ना. सो हम क्या करें, किन दो नंबर्स को साथ ले लें, किन किन दो दो नंबर्स को. सो हम ले सकते हैं इन दोनों को साथ ले लें, इन दोनों को साथ ले लें. सो ये हमारा जीरो गिफ्ट देंगे तो 15 इंटू -10 मल्टीप्लाइड बाय -25 मल्टीप्लाइड -4 ये क्या किया मैंने, नंबर्स को साथ में राइट कर दिया. ठीक है अब देखो -150 ठीक है, अब मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 100. सो -15,000 इट इज अवर आंसर. ओके सो हमने क्या किया, वेरी सिंपल कि हमने इस स्टेप से इसको अरेंज किया कि हमारा क्या दे दे, ये वंस प्लेस पे हमारा जीरो बना दे. सो हमने स्टेप से जम को अरेंज कर लिया और उनको सॉल्व कर लिया. सो हमने आंसर गेट कर लिया. सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन और एक्सरसाइजेस यू हैव टू डू वर्क. ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग.